हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल और आज मेरे पास है काफ़ी सारे इस तरीके की पोटेंशियोमीटर की जो रेगुलेटर होती है वो हमारे पास यहाँ पर है। तो ये अलग अलग प्रकार का हमें मिलता है, जैसे कि सबसे पहले बात करें ये वाली, तो इन दोनों पर सेम ही हमें मिलेगा रेगुलेटर देखने को। तो ये जो है ये सभी ख़राब है, इसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम आए हैं, जैसे कि इसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, ये सर्किट पर तो कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ, बस यहाँ से ये ख़राब हो गया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ से ख़राब हो गया है और एक यहाँ पर देखिए, ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हो ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है, ये फूक चुका है। तो मतलब अब हम क्या करेंगे, देखिए आप तो इसे चाहो तो रिपेयर कर सकते हो, और अगर रिपेयर नहीं करना है तो उसके लिए मैं सबसे आसान तरीका लेकर के आया हूँ जो कि अभी आपको मैं बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आप तुरंत से देखते हैं कि आज की टॉपिक हम इसमें करने क्या वाले हैं, ये 3 एक्सपेरिमेंट पर चलने वाला है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब जो ये रेगुलेटर है, मैंने तो इसे खोल लिया है, इसके जो नट है उसे मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो नंबर है वो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, रेंडम BT136। और इसमें अगर बात करें तो एक यहाँ पर मॉस्फेट लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पर डायोड लगा हुआ है और एक यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है और ये आपका कोयल है बस, और इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन सभी को मैं DC में कन्वर्ट करने वाला हूँ आज। बाय द वे आपको पता होगा कि ये AC पर कन्वर्ट होने के बाद ये काम नहीं करता है, लेकिन ये DC पर अभी भी ये काम कर सकता है, बस कुछ ही स्टेप करने होते हैं। अगर आपके पास ये वाला है तो आप इस वाली वीडियो को लास्ट देखिएगा और इसके बाद आप स्किप करके हट जाइएगा वीडियो के लिए, और अगर आपके पास दोनों हैं तो आप इन दोनों वीडियो को लास्ट देखिए, मतलब दोनों प्रोसेस को देखिएगा। तो पहला प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट 1 से। एक्सपेरिमेंट 1 से स्टार्ट होता है सबसे पहले इस वाले जो ये जो मैं इसका नाम ही बराबर भूल जाता हूँ, ये रेगुलेटर जो है, मैं इससे अभी आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मेरे पास है यहाँ 12 वोल्ट 7 एम्पियर की एक बैटरी और एक हमारे पास 12 वोल्ट का LED है जो कि अच्छी तरह से ये वर्क करता है। मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अब आज मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जैसे कि ये DC से कन्वर्ट नहीं होता है, ये आप लोगों का भ्रम होगा, तो मैं क्या करता हूँ आपको इसे पहले टेस्ट करके ही दिखा देता हूँ। ये एक वायर है जिसे मैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पर लगा दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लाइन तो अभी कटा हुआ है इसलिए मैं आपको इसे सोल्डिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस अभी मैं आपको डायरेक्ट इसे चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया एक, और अब जो एक वायर है मैंने यहाँ प्लस तो लगा दिया, माइनस को यहाँ पर लगा दूंगा मैं, बस इसी तरह से आपको भी करना पड़ेगा सेम प्रोसेस। और जो ये वाला वायर है इसे अब यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जैसे ही मैं पोटेंशियोमीटर को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिए ये जो LED है यह स्टार्ट हो गया, फिर हम इसे बंद करते हैं तो ये बंद हो जाएगा, फिर यहाँ से ऑन करेंगे तो यह स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इससे जैसे कि अगर ये पोटेंशियोमीटर आपका ख़राब हो गया है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप इससे स्विच बना सकते हो। ये स्विच बन गया है जैसे कि अब यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये स्विच की तरह ये ऑन हो जाता है और इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, देख लीजिए पूरी तरह से ये डैमेज है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का काम होता है कम और ज़्यादा वोल्टेज करना। तो यहाँ पर एक्चुअल में रियली एक ही वोल्टेज आ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, और कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट 2 पर। यहाँ पर मैंने सेम कनेक्शन इसे कर दिया है, अब मैं इस LED को यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लगाया है, और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं इसे बढ़ाता हूँ। तो देखिए ये पूरी तरह से मैं इसे बढ़ा रहा हूँ और ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो आप लोगों का जो कमेंट भी रहता है कि ये AC से ही सिर्फ वर्क करता है, तो ये पॉसिबल है, लेकिन अभी मैंने आपको जो शुरू में दिखाया वो अगर रहेगा तो उसमें आप DC में चला सकते हो, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ उसे मुझे भी नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आपको मैं एक सॉल्व आपको करवा देता हूँ जो आपको प्रॉब्लम रहेगा, जैसे कि इन दोनों पर अगर देखें तो सभी वैल्यू सेम लगी हुई है, और यहाँ पर देखें ट्रांजिस्टर पर तो जो ट्रांजिस्टर है वही मैक्सिमम में देखा जाए तो सेम ही है। देखिए यहाँ पर भी 6 लिखा हुआ है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 3-1 है, लास्ट में इसमें भी 3-1 है, यानी जो इसकी जो वैल्यू रहेगी सेम उसी की वैल्यू इसमें भी रहेगी। तो आप इसे भी इसमें एक और ट्रांजिस्टर लगा करके दोनों में इन दोनों को आप बना सकते हैं। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट यही था कि आप इसे ठीक भी कर सकते हो किस तरह से, और
आप इसे मतलब एसी करंट से चल सकता है या डीसी से चल सकता है, ये भी मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा दिया हूँ। तो लास्ट जो तीसरा है वो सबसे आपके लिए अलग होने वाला है, क्योंकि अभी तक मुझे भी पता नहीं है कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तीसरा एक्सपेरिमेंट अब स्टार्ट होने वाला इसका है। जो यह अलग से जो पार्ट है जो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये सोल्डर किया गया है, दो वायर है सोल्डर किया गया है, जिसे हम सिंपली से कट कर अगर देंगे। आपको कोई सामान फेंकना है तो आप उसे फेंकिए मत। आपको मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर सोल्डरिंग नहीं है और आपको इसे कोई काम नहीं है, तो आप इसे आसान तरीके से इसे खोल सकते हो। आपको ऐसे करना है और बस आपको इसे थोड़ा स्पीड करना होगा, अपने हाथों को स्पीड करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके हाथ में आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ से अब खोल चुका है। आप इस तरह से करना मत, मैं आपको आपको सिर्फ बता रहा था। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मल्टीमीटर का हम यूज करेंगे इसके वोल्टेज को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को मैं ले आया हूँ, 20 पर मैं सेट कर रहा हूँ और मैं चेक करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कनेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैंने इसे भी खोल लिया है, क्योंकि यहाँ जो वायर है इसका, यहाँ पर तो मैंने वायर को तोड़ दिया है। अब या तो हम यहाँ पर इसे डायरेक्ट टच करेंगे और हम इस पर आउटपुट वोल्टेज को शो करेंगे। तो जो इसका पिन जो है, मैं उसे तो यहाँ पर वापस लगा दूंगा, जिससे क्योंकि ये हमें घुमाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जिस तरह से सेम ने किए थे उसी तरह से हम करेंगे। प्लस को यहाँ पर नहीं लगाएंगे, प्लस को यहाँ पर टच करेंगे इस वाले पॉइंट पर, और इसे हम यहाँ पर लगाएंगे और देखते हैं वोल्टेज आता है या नहीं आता। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया हुआ है जबकि अभी ये जीरो वोल्टेज बता रहा है, तो मैं इसे 20 पर सेट कर ले रहा हूँ। देखिए 20 पर मैंने लगाया, अब यहाँ पर 1 शो हो रहा है। अब जैसे इसे रोटेट करता हूँ, आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैंने पहले पर लगाया और यह 9.61 वोल्ट के आसपास में आ रहा है। मतलब जो 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो अभी हमें 9 वोल्ट अभी अप्रोक्स अभी दे रही है आउटपुट में। फिर हम इसे टच करते हैं, देखिए अब यह 9.91% आ रहा है, मतलब मैक्सिमम 10% के और 10 वोल्ट के आसपास में आ रहा है। अब इसे हम और आउट करते हैं, देखिए अभी जो वोल्टेज है वो 10.2 के आसपास में है। अब हमारा आ गया 10.57, 10.94, 11.2 वोल्टेज, 12.4 जो कि इसका फुल चार्ज है। अब ये फिर से गया, देखिए ये फिर से 1 में आ गया, मतलब हम इससे 9 वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं, 10 वोल्ट की बना सकते हैं, 11 वोल्ट की बना सकते हैं, लास्ट जो 12 वोल्टेज है हम उसे बना सकते हैं। और गाइस अब ये लाइन भी आ गया है, तो ये तो प्रॉपर मैंने टेस्ट करके दिखा लिया। और आपके लिए मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर भी और भी काम करूंगा, तो आप इस चैनल पर तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी एग्ज़ाम भी सामने आने वाला है, आपको पता ही होगा, तो उस पर वीडियो आपको हो सकता है कि रेगुलर ना मिले, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा कि आपको वीडियो मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिले किसी और वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।